तुम्हारा तेजस्वी पुत्र शिवान। शिवान 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 गौरी की ये गैया उत्तर देती सारे, पूछो जो अभी कोई प्रश्न मन में हो तुम्हारे। हमें हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। और हमारे पुत्र के लिए एक नया नाम भी, शिवांश। अरे रमा बहन, तुम यहाँ? युवराज के दर्शन करने के लिए हमारा भी मन मचल रहा था। आप आ गई तो हम भी आपके पीछे पीछे चले आए। हमारी बहन है रमा। हम तीन बहनें हैं, रमा, शारदा और हम गौरी। रमा, हम युवराज को बहुत अच्छा नाम दिए हैं, शिवान। अच्छा है ना? बहुत अच्छा नाम है बहन, पर एक नाम हम भी सोचकर आए हैं, हरीश्वर। हरीश्वर कैसा रहेगा? तुम दोनों बहनें यहां हो। अरे शारदा, तुम भी यहाँ? और ये है आपकी तीसरी बहन, है ना? अब इन दोनों ने युवराज को देख लिया तो हम पीछे कैसे रह जाते?
अच्छा शारदा ये बताओ, तुम्हें शिवांश नाम अच्छा लग रहा है या हरीश्वर, बताओ ना। शिवांश का अर्थ तो है भगवान शंकर के अंश, क्योंकि युवराज का जन्म भी तो शिव जी के आशीर्वाद से हुआ है और रमा बहन हरीश्वर का हरि तो भगवान विष्णु का नाम है। पर हरि का एक अर्थ और होता है वानर, तो हरीश्वर का अर्थ हुआ वानरों में सबसे उत्तम। दोनों नाम बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं और कर्णप्रिय हैं। देखो देखो हमारे युवराज का मुखड़ा तेज से कैसे चमक रहा है। युवराज बहुत बुद्धिमान है, इसलिए इनका नाम वेदांश सबसे अच्छा रहेगा। शिवांश, हरीश्वर, वेदांश, अद्भुत, बहुत ही सुंदर नाम दिए हैं आपने हमारे पुत्र के लिए। मन लुभावन और आनंददायक है ये नाम। इन नामों के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमें नाम रखना होता तो इन्हीं सुंदर नामों में से ही कोई एक नाम रखते, किंतु हमारे कुल की परंपरा है कि शिशु अपने नाम का चुनाव स्वयं करता है। हम इन नामों को अन्य नामों में सम्मिलित कर देंगे, संभव है युवराज इन्हीं में से कोई नाम चुन ले। अरे केसरी नंदन खाओ। लाओ बेटा हम खिला देंगे। शिवांश, हरीश्वर और वेदांश, मुझे लगता है नामकरण में केसरी नंदन का इनमें से ही कोई नाम रखा गया होगा। यदि यही नाम रखा गया होता तो उन्हें हनुमान क्यों बुलाया जाता। आंजनेय को हनुमान नाम तो आगे जाकर एक विशेष पराक्रम के कारण मिला था, जबकि आंजनेय के नाम के लिए तीनों देवियों के अलग अलग मत थे और समस्या ये थी कि इनमें से किस नाम को प्रमुखता दी जाए। पर
प्रणाम माताओं, प्रणाम नंदीकेश्वर, प्रणाम वायुदेव, शिवांश, हरिश्व, वेदांश, पूज्य माताओं, नाम तो आप तीनों ने ही बहुत ही अद्भुत चुने हैं, परंतु नामकरण के लिए तो एक ही नाम चाहिए। अब आप ही बताएं, इन तीनों में से कौन सा नाम दिया जाए मेरे पुत्र को? थोड़ा धैर्य रखिए वायुदेव, क्योंकि जीव के स्वभाव और व्यक्तित्व पर उसके नाम का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है, अतः नाम रखने में अधीरता ठीक नहीं पवनदेव। मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है कि देवी सरस्वती का कथन उचित है वायुदेव, आपको अपने पुत्र के नामकरण में इतनी शीघ्रता नहीं करनी चाहिए, तनिक धीरज धरिए। धीरज ही तो नहीं धरा जा रहा है, जितने भी नाम लल्ला को मिले हैं सभी बहुत कर्णप्रिय और मधुर हैं, पर मैं दुविधा में हूँ, मैं निर्णय ही नहीं ले पा रही कि किस नाम को प्रमुख मानूं। किंतु मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है, अंजनी को दिए गए सभी नाम उसकी महिमा का गान ही तो करेंगे, और दिए गए सभी नाम हृदय से निकले प्रेम भाव का प्रतीक हैं। जो पाऊंगी मैं ये सब, बस कुशन इसे मेरे पास रहने दीजिए, मैं संभालूंगी इसे। हाँ लल्ला, मैंने भी आपका एक नाम चुना है, सदानंद। सदानंद, मैं महाराज के पास ही जा रहा हूं, युवराज को भी मैं उनके पास छोड़ दूंगा, आप निश्चिंत रहें दाई मां। आइए लल्ला, जन्म के समय आपके अद्भुत प्रकाश को देखते हुए मैं बहुत प्रभावित हो गया था, उसी क्षण मैंने आपके लिए एक नाम सोच रखा था। पता है आपका नाम क्या रखा था? क्या? महादूती। ना नन्हा सा बालक कितने नाम चुनेगा? केवल एक। रहस्य है वो एक नाम, अंततः रहस्य ही रहेगा, उसी में आनंद है। नामकरण में तो एक ही दिन शेष था ना भगवान, उसके बीच और क्या क्या हुआ? नौ ही दिन में हनुमान लला का आकार चमत्कारी गति से प्रतिदिन बढ़ रहा था, और बढ़ रही थी उनके नामों की संख्या, और उससे भी अधिक तीव्र गति से बढ़ रही थी उनकी मधुर लीलाएं। खेलेंगे हम लुक्का छिप्पी, बोलेंगे ना कुछ चुप्पी चुप्पी, खेलेंगे हम लुक्का छिप्पी। लुक्का छिप्पी, लुक्का छिप्पी, लुक्का छिप्पी, लुक्का छिप्पी,
अब हम छुपेंगे यहाँ वहाँ और ढूंढेगी हमको दाई माँ। लुक छिप जाना, इधर न आना, जो पकड़े गए तो डंडे खाना। लुक छुप जाना, इधर न आना, जो पकड़े गए तो डंडे खाना। मैं आऊं? आ जाओ दाई माँ। कब से यहाँ आसन के पीछे छुपा बैठा हूँ। युवराज कहाँ है? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? पकड़ लिया। अब हम ढूंढेंगे, आप सब छुप जाओ। लुक छिप जाना, इधर ना आना। लुक छिप जाना, इधर ना आना। लुक छिप जाना, इधर न आना। प्रहरी देखो बड़ा सयाना, जो पकड़े गए डंडे खाना। मैं आऊं? आ जाओ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.